अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको ब्लॉक प्लेट्स के साथ एक फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है और इसका जो अर्थ था वो मैंने कंप्लीट ले लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका अर्थ कितना है। तो इसका ये टोटल अर्थ है तकरीबन 34 इंचेस। तो ये मैं एक साइड फ्रंट साइड का लूँगी और इसकी मैंने लेंथ जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने निकाल ली है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी ली है। इसकी लेंथ मैंने टोटल 40 इंचेस ली है, जो तैयार होने के बाद 38 इंचेस तक रह जाएगी। अब मैं इसके ये मैंने इसके सेंटर पे क्रीज बना ली है, फोल्ड करके उल्टा फोल्ड किया है इसे मैंने और सेंटर में ही मैंने क्रीज बना ली है। अब मैं इसके सेंटर से 5 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी और अब यहां से मैं 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी, यहां से भी मैं निशान लगा लूंगी और इन निशानों को मुझे मिलाना है। अब यहां से मैं इसकी लेंथ ले लूंगी 16 इंच। 5 इंच के निशान के बाद मैं 16 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी इस तरीके से और यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी और दोबारा 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी, इधर से भी इसी तरह 1.5 इंच के फासले पर मैं निशान लगा लूंगी और यहां से भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद ये जो पहला हमारी पहली लाइन है इसे हमें छोड़ना है और ये जो दूसरी लाइन है इसे पकड़ना है इस तरीके से। इस तरह पकड़कर हमें ये इस वाली लाइन के ऊपर सिलाई लगा देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक और ये हमारा फिर एक प्लेट बन जाएगा। इसी तरह हम दूसरा प्लेट भी इसी तरह डालेंगे। आप चाहें तो एक प्लेट भी डाल सकते हैं, दो प्लेट भी डाल सकते हैं, आप कपड़े पर और आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। यहाँ से अब मैं दोबारा 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी, दो निशान नीचे से भी और इसकी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब इसके प्लेट कैसे डालने हैं वो मैं आपको मशीन पर चलकर बताऊंगी। पहली लाइन को छोड़ना है और दूसरी लाइन को मिडल से पकड़कर इस तरह करना है और ये प्लेट हमारा यहाँ से तीसरी लाइन पर और यहाँ से पहली लाइन पर आएगा। यहाँ से शुरू करके हमें यहाँ तक लाना है और इसे पक्का करके छोड़ देना है। दूसरा प्लेट भी सेम इसी तरह हमें लेना है। तो चलें हम करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी पहली लाइन थी, ये दूसरी, ये तीसरी। दूसरी लाइन से हमें पकड़ना है और इस तरह फोल्ड करके हमें नीचे तक सिलाई लगानी है। अब ये वाली लाइन छोड़नी है और जो दूसरी लाइन थी यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, ये लाइन छोड़कर इस लाइन पर हमें इसी तरह पकड़ना है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ये सिलाई लगा ली है दोनों प्लेट्स की। ये कुछ अब इस तरह की लुक दे रहा है, फ्रंट से ये इस तरह की इसकी लुक आ रही है। ये बॉक्स प्लेट अंदर की तरफ चले गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसे इस तरह पकड़ के सिलाई प्रेस कर लूँगी, ये प्लेट को इस तरह खोल लूँगी और यहाँ सेंटर में प्रेस कर लूँगी मैं इसे। दोनों को सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं प्रेस कर लूँगी और बिठा लूँगी फिनिशिंग के साथ। और अब दूसरी तरफ भी मैं सेम प्लेट इसी तरह दो प्लेट्स डाल लूँगी। तो तैयार होने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह आई है। ये दो बड़े बॉक्स प्लेट आ रहे हैं इस तरफ और दो इस तरफ आ रहे हैं और यहाँ से ये फिटिंग लाइन है, यहाँ पर फिटिंग लाइन आती है। अब मैं इस तरह इसकी कटिंग कर लूँगी
इसको इन्हेंस करने के लिए, प्लेट्स को इन्हेंस करने के लिए मैं उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इसकी इस तरह फोल्ड करके सिंपल कटिंग कर लेते हैं बैक और फ्रंट के साथ। ये बैग लूँगी, बैग भी मैंने इसी साइज़ का लिया था और इसको भी इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है। और इसके साथ मैं इसकी अब कटिंग करूँगी, जैसे हम सेम अपनी फ्रॉक को या कुर्ती की कटिंग करते हैं। यहाँ से इसकी इस तरह कटिंग करेंगे, इसे इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और ये ऊपर से हमारी जिस तरह कटिंग होती है सेम उसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं तीरा लूँगी 7 इंच, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं यहाँ से भी 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह। यहाँ से अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पर। ये स्मॉल साइज का है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जो भी आपको मेजरमेंट ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फिटिंग का कमर का ये चेस्ट का निशान है मेरा, यहाँ पर मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी 8 इंच। इन दोनों निशानों को मैं मिला लूंगी और यहाँ से इसको हम रफली फ्रॉक की शेप दे देंगे। यहाँ से अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, नीचे से यहाँ से हल्की सी गोलाई की शेप आती है फ्रॉक की, वही शेप में दूंगी। उसके बाद यहाँ से मैं कटिंग कर लूंगी। और ये फ्रंट साइड की थोड़ी सी गहरी कटिंग मैं कर लूंगी 1/2 इंच की। आप चाहें तो ये बॉक्स प्लेट बैक साइड पे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये सिर्फ फ्रंट साइड पे डाल रही हूँ। ये इसकी कटिंग कंप्लीट है, अब मैं आपको इसके साथ इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। यहाँ पर मैंने इसका ये सिंपल सा नेक बना लिया है, नॉर्मल जैसे हम नेक बनाते हैं उसी तरीके से। और अब ये जो मेरी प्लेट्स हैं इनके ऊपर मैं ये लैस अटैच कर लूँगी। ये आप लैस इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और पहले से जिस तरह ये अटैच थी सिलाई से पहले भी इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर से रख कर लगाऊंगी इसी तरीके से, जहाँ तक ये सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर ही मैं लगाऊंगी। बिल्कुल ये जो सिलाई का निशान है इसके ऊपर मैं रख कर लगाती हूँ। यहाँ से जहाँ से ये खुल रहा है यहाँ तक मैं लगाऊंगी सिर्फ, और इसे नीचे से मैं फोल्ड कर दूंगी। ये देखें इस तरीके से यहाँ ये लग चुकी है। अब दूसरी प्लेट पर भी इसी तरह लगाऊंगी और बाकी दोनों तरफ भी मैं इसी तरह सेम इसको अटैच कर दूंगी। ये देखें अब इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। यहाँ तक प्लेट्स तक मैंने ये लैस लगा दी है और नेक के ऊपर भी मैंने ये इस तरह इसके ऊपर रख के लैस लगा दी है। अब बाकी की मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, बैक नेक अटैच करूँगी और स्लीव्स अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने फ्रॉक की बैक अटैच कर ली थी और इसकी स्लीव्स अटैच करके मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है नॉर्मल नीचे तक, और इसकी लुक कुछ इस तरह आई है। ये स्लीव्स की मैंने जो डिज़ाइनिंग की है इसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप चाक दामन पर भी कर सकते हैं और ट्राउज़र के पांचों पर भी कर सकते हैं। तो ये मेरी फ्रॉक की लुक इस तरह आई है बॉक्स प्लेट्स के साथ, और नीचे से मैंने इसे सिंपल मोड़ लिया है। यही जो ट्राइंगल्स हैं ये हम नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपल ही रखा है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा।
और पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।